हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अवर क्लास एएस टेक्निक मेक योर माइंड सार पर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस टेक्निक पर। पॉलीमर की क्लास केमिस्ट्री की चल रही है और जो अपन लोग पढ़ चुके थे अभी तक, अपन क्या पढ़ चुके थे, सारे पॉलीमर पढ़ चुके थे। कौन कौन से? पॉलीएथीन, पॉलीथीन और पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल एसीटेट, पॉलीएक्रोनाइट्राइल, पॉलीमिथाइल मेथाक्रिलेट। ठीक है, इतने पॉलीमर अपन पढ़ चुके थे और आज अपन को जो पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं सहबहुलक। क्या पढ़ने हैं? सहबहुलक मतलब को पॉलीमर। ठीक, को पॉलीमर से पहले, पढ़ने से पहले एक और अपन एडिशन पॉलीमर पढ़ेंगे। एडिशन पॉलीमर हिंदी में कहते हैं भैया इसको योगात्मक बहुलक, है ना। तो योगात्मक बहुलक जो अपन पढ़ रहे थे उनमें एक और बहुलक पढ़ना है और उस बहुलक का नाम है बहुत ही अच्छा सा टेफ्लॉन। ठीक, ठीक है, कौन सा बहुलक पढ़ना है? टेफ्लॉन। टेफ्लॉन होता क्या है? टेफ्लॉन जो बहुलक है, ठीक है, अब अभी तक जितने अपन पढ़ रहे हैं तो उनमें तो उनका जो मोनोमर था वो अपन को डायरेक्ट उनके नाम से पता चल जा रहा था, जैसे पॉलीथीन का एथीन, ठीक है, पॉली विनाइल क्लोराइड का विनाइल क्लोराइड, पॉली स्टायरिन का स्टायरिन, पॉली एक्रोनाइट्राइल का एक्रोनाइट्राइल, पॉली मिथाइल मेथाक्रिलेट का मेथाइल मेथाक्रिलेट। ठीक है, टेफ्लॉन में लॉन तोड़ी होगा, है ना, क्लियर ना। ठीक है, तो टेफ्लॉन जो होता है ये कैसे बनता है? टेफ्लॉन का जो पॉलीमर होता है, और टेफ्लॉन क्या है, एक टाइप का कैसा पॉलीमर है, ये एक टाइप का योगात्मक बहुलक है। ठीक है, मतलब एडिशन पॉलीमर है या एडिटिव पॉलीमर भी बोल सकते हो। ठीक है, इसकी जो चेन होती है वो कैसी होती है, एक लीनियर ब्रांच होती है, मतलब लीनियर इसका क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका? लीनियर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और लीनियर स्ट्रक्चर को हिंदी में बोलते हैं रेखीय संरचना। ठीक है, ये रेखीय संरचना प्रदर्शित करता है। कैसी संरचना प्रदर्शित करता है? रेखीय संरचना प्रदर्शित करता है। ठीक है, और यह एक प्रकार का कौन सा बहुलक है? यह एक प्रकार का आपका आर्टिफिशियल पॉलीमर है, कृत्रिम बहुलक है, क्योंकि इसको हम रासायनिक विधियों द्वारा तैयार करते हैं। ठीक है, जो टेफ्लॉन होता है इसका जो मोनोमर होता है, मतलब इसका जो एकलक होता है वो क्या होता है? टेफ्लॉन का जो एकलक होता है वो होता है आपका CF2 डबल बॉन्ड CF2। ठीक है, क्या होता है? CF2 डबल बॉन्ड CF2। अगर हम इसको बेसिकली लिखना चाहें तो हम C2F4 लिख सकते हैं। यस, तो C2F4 का नाम क्या होगा? टेट्रा फ्लोरो। नाम क्या होगा? देखो चार बार फ्लोरो है तो टेट्रा फ्लोरो, और दो कार्बन को बोलते हैं एथ और डबल बॉन्ड से जुड़े हैं तो इन। ठीक, तो भैया ये किसका जो आपका टेफ्लॉन है, ठीक, इस टेफ्लॉन का क्या नाम है? इस टेफ्लॉन का जो मोनोमर होता है उसका नाम क्या है? टेट्रा फ्लोरो एथीन। क्या है इसका नाम? टेट्रा फ्लोरो एथीन, C2F4, और स्ट्रक्चर में क्या बोलेंगे? CF2 डबल बॉन्ड CF2। बनता कैसे है? एथीन पे अपन फ्लोरीन की सूर्य के प्रकाश में रिएक्शन कराते जाओ, हाइड्रोजन निकलता जाएगा, फ्लोरीन जुड़ता जाएगा। ठीक है, तो अपन इस प्रकार से एथिलीन से अपन बना सकते हैं किसको? टेट्राफ्लोरो एथीन को। ठीक है, करते क्या है? एनमोल ऑफ टेट्राफ्लोरो एथीन लेते हैं। क्या करते हैं? एनमोल ऑफ टेट्राफ्लोरो एथीन लेते हैं, एनमोल ऑफ CF2 डबल बॉन्ड CF2 लेते हैं, और लेकर के इसका हम क्या करा देते हैं? पॉलीमराइजेशन करा देते हैं, बहुलीकरण करा देते हैं। ठीक है, पॉलीमराइजेशन, जिसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन हिंदी में कहते हैं बहुलीकरण। ठीक, बहुलीकरण करा के हल्का सा गर्म कर देते हैं। तो भैया गर्म करने पर क्या होता है? डबल बॉन्ड जो है ये बीकर बॉन्ड होता है, तो ये जल्दी से क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। जैसे ही ये डबल बॉन्ड टूटता है तो जो CF2 है डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड बन जाएगा CF2। ये कहेंगे हमारा बॉन्ड खाली, ये कहेंगे तो हम कौन से, तुम्हें जैसे तो हम है, हमारा बॉन्ड भी खाली। ठीक, अपना अपना बॉन्ड खोल के ये बैठ जाते हैं, और है ना, अपने अपने ऐसे हाथ खोल के बैठ जाते हैं, आओ चिपकते जाओ। ठीक, इस तरफ CF2 चिपकता जाएगा, इस तरफ CF2 चिपकता जाएगा, और एक लंबी चेन बन जाएगी और वो आपका क्या कहलाएगा? टेफ्लॉन। क्लियर, क्या बनता है ये? टेफ्लॉन। तो जल्दी से रिएक्शन नोट कर लो।
आगे बढ़े। हाँ बता रहे आगे बढ़े, मैंने वही तो बोला। हमने कहा आगे बढ़े, वो सोच रहा अगला वाला पॉलीमर उठाने लगे। ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके यूजेस देख लो। देखो क्योंकि होता क्या है, यह एक इंसुलेटर होता है। कैसा होता है? विद्युत रोधी होता है, करंट फ्लो नहीं होती। ठीक है, इसमें करंट फ्लो नहीं होती है, इसलिए इसको हम कहां यूज करते हैं? एक बिल्कुल सही क्या बोले, विद्युत तारों में, मतलब केबल्स में, है ना, विद्युत केबल बनाने में। ठीक, विद्युत केबल बनाने में, इलेक्ट्रिक केबल बनाने में। एक दूसरा, ना चिपकने वाले, ना चिपकने वाले, ठीक है, मतलब उन ऐसी चीज जिसपे कुछ भी चीज रखें तो वो उससे चिपके ना, है ना, है ना, तो उसपे लेपिंग करने के लिए। ठीक है, तो हम किसके लिए करते हैं? ना चिपकने वाले क्या होते हैं? बर्तन, है ना, नॉन स्टिक बर्तन। ना चिपकने वाले बर्तन में एजा में कोटिंग के लिए, है ना, लेपन करने के लिए, विलेपन करने के लिए, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ना चिपकने वाले बर्तन मतलब नॉन स्टिक, है ना, नॉन स्टिक को बर्तन को पॉट बोल दो। अच्छा यूटेंसिल्स बोलते, ओके यूटेंसिल, नॉन स्टिक यूटेंसिल जो होते हैं उनमें कोटिंग के लिए हम इनका यूज करते हैं। और बताए, और देखो इनका यूज कहां किया जाता है? और इनका यूज किया जाता है रासायनिक पदार्थों को स्टोर करने वाले बर्तनों में, मतलब कुल मिला के बर्तन नहीं बोलेंगे उसको, कुल मिला के जिसमें हम रासायनिक पदार्थों को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं, रखते हैं उनमें। और कहां पे? जो आपके केमिकल्स ले जाने वाले पाइप होते हैं, कहां पे? हाँ लेबोरेटरी में, है ना, लेबोरेटरी मतलब प्रयोगशाला में केमिकल ले जाने वाले पाइपों में। ठीक है, इन सब चीजों में इनका यूज किया जाता है। ठीक है, विद्युत केबल बनाने में, नाप चिपकने वाले बर्तन में कोटिंग के लिए, रासायनिक पदार्थों को स्टोर करने वाली चीजों में, लेबोरेटरी में केमिकल ले जाने वाले पाइपों में, इन सब चीजों में हम टेफ्लॉन का यूज करते हैं। क्लियर? ठीक, अगला हो गया। ठीक, अगला जो है वो है आपका नाइलॉन 6-6। कौन सा है? जो बच्चे नए हैं, ठीक है, उन्हें अगर नहीं आ रहा हो तो ये मत समझना कि, ठीक है, कुछ भी मत समझना। ठीक है, जैसे ये चैप्टर खत्म होगा इसके बाद हमें आपका पहला चैप्टर शुरू करना है। ठीक, नाइलॉन 6-6। ठीक है, ये 6-6 क्यों है? ठीक है, नाइलॉन 6-6 का यूज बता दो पहले तो, टायर। ठीक है, टायर बनते जो मोटरसाइकिल के टायर, ट्रक के टायर, ठीक है, हाँ, तो उनमें क्या होता है क्या? हाँ, तो उनमें क्या होता है? इन नायलॉन का यूज होता है। ठीक है, नायलॉन के कपड़े भी आते ना, है ना, तो उन सब चीजों में नायलॉन का यूज किया जाता है। बनता कैसे है? हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन, हेक्सामिथाइलिन और डाइअमीन। ठीक, हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन और एडिपिक एसिड। ठीक,
एडिपिक एसिड, हेक्सामेथाइलिन डाइएमीन और एडिपिक एसिड जो होता है हम इन दोनों को लेते हैं ठीक है, और लेकर के क्या कर देते हैं पॉलीमराइज कर देते हैं। ये आपका एक एडिटिव पॉलीमर नहीं होता है, मतलब ये योगात्मक रिएक्शन द्वारा नहीं बनता है, ये इन दोनों का क्या होता है सह बहुलक होता है। क्या होता है सह बहुलक, सह बहुलक मतलब होता है कोपॉलीमर ठीक है। क्या होता है कोपॉलीमर, हमने बताए थे पॉलीमर दो टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूज्ड मोनोमर ठीक है। मोनोमर मतलब एक लक के उपयोग के आधार पर पॉलीमर दो प्रकार के बताए थे, एक बताए थे समबहुलक, एक बताए थे सह बहुलक, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर जिनमें एक ही प्रकार के मोनोमर्स का यूज किया जाता है वो होते हैं आपके होमोपॉलीमर। तो अभी तक अपन ने जितने पढ़े वो सारे थे होमोपॉलीमर ठीक है। अब अपन पढ़ रहे हैं कोपॉलीमर। कोपॉलीमर मतलब जिनमें हम एक प्रकार के नहीं एक से अधिक अलग अलग प्रकार के मोनोमर का यूज करते हैं वो आपके कहलाते हैं कोपॉलीमर ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, जो कोपॉलीमर होते हैं वो एडिटिव रिएक्शन से नहीं बनते हैं, किससे बनते हैं ये सिंथेसिस रिएक्शन संश्लेषण क्रिया द्वारा बनते हैं, किससे संश्लेषण ठीक है। तो करते क्या है हेक्सामेथाइलिन डाइएमीन, नाम से ही समझ में आ गया होगा हेक्सामेथाइलिन ठीक और डाइएमीन ठीक, हेक्सामेथाइलिन डाइएमीन ठीक है, CH2 का होल सिक्स NH2 ठीक है। कौन हम बोल रहे ठीक हम, तो ये क्या है हेक्सा मिथाइलिन डाई एमीन ठीक, ये तो बन गया ठीक। तो हेक्सा में कार्बन कितने सिक्स ठीक, ध्यान रखना प्लस एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH2 का होल फोर, इधर COOH और इधर भी COOH ठीक। तो ये है आपका एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड। और दूसरा नाम अगर IUPAC कहें तो 1 2 3 4 5 6, सिक्स को बोलते हैं हेक्सा, वन पे और सिक्स पे लगाए तो हेक्सा हेक्सेन 1.6 डाइओएक एसिड। क्या होगा इसका नाम HOOC सिंगल वन CH2 और COOH ठीक। 1 2 3 4 5 6 कार्बन इधर से चलो, चाहे 1 2 3 4 5 6 कार्बन इधर से चलो, कहीं से भी चलो ठीक है, सिक्स सिक्स ठीक है। सिक्स कार्बन को बोलते हैं हेक्स, सब जुड़े सिंगल बॉन्ड से इन वन पे और सिक्स पे जुड़ा क्या ओ एक एसिड, 1.6 दो बार जुड़ा तो डाई ओ एक और एसिड, बात समझ में आई। हेक्सेन 1.6 डाइओ एक एसिड, इसका एक और नाम होता है, वैसे नॉर्मली भाषा में बोलते हैं एडिपिक एसिड ठीक है, जैसे कार्बोक्जिलिक एसिड होता है ठीक है। और कार्बोक्जिलिक एसिड जो होता है आपका एसिटिक एसिड ठीक है, उसका सही नाम क्या होता है एसिटिक एसिड का, एसिटिक एसिड का सही नाम होता है एथेनोइक एसिड, CH3 बॉन्ड COOH एसिटिक एसिड है ना। तो नाम क्या है एथेनोइक एसिड, और आम बोलचाल की भाषा में एसिडिक एसिड, ऐसी आम बोलचाल की भाषा में एडिपिक एसिड, वैसे नाम क्या है हेक्सेन 1.6 डाइओएक एसिड। क्लियर, का दिक्कत हो गई है, हाईलाइट कर रहे थे मिटा तो दीजिए, नहीं इसको कर लो नोट, फिर हम रिएक्शन करनी है, अगर किसी को नोट करना है ये तो ये कर लो। ऐसा करते हैं ठीक, एडिपिक एसिड और IUPAC हो जाएगा हेक्सेन 1.6 डाइओएक एसिड। सिंपल सी तो बात है, एनमोल लेने अपन को हेक्सा मिथाइलिन डाइएमीन के, और एनमोल लेने अपन को किसके एडिपिक एसिड के, और दोनों के एनमोल लिए अपन ने ठीक, और दोनों के एनमोल लेके अपन ने क्या कर दिया इनको सिंथेसिस रिएक्शन संश्लेषित कर दिया और हल्का सा गर्म किया। जैसे ही गर्म करेंगे तो क्या होगा, इसका एच और उसका ओ एच ठीक है, इसका एच इसका ओ एच निकल जाएगा
और इधर से इसका एच और इसका ओ एच निकल जाएगा, ठीक। तो क्या होगा, माइनस टू एच टू ओ, मतलब दो एच टू ओ निकलेंगे अपने, ठीक है, क्लियर, निकल गया। आगे देखो इनका क्या निकला, एक हाइड्रोजन इनका एक बॉन्ड खाली हुआ, हुआ ठीक। बॉन्ड सी एच टू का होल सेक्स, इनसे तो कोई छेड़खानी हुई नहीं, ठीक। एन एच टू कहेंगे हमारा भी एक बॉन्ड खाली, ठीक है, इनको थोड़ा शिफ्ट करो, ये भी अपन को दिक्कत पैदा करेंगे। इधर से ओ एच निकला, सी कहेगा हमारे ऊपर डबल बॉन्ड, हमारा एक बॉन्ड खाली। बॉन्ड सी एच टू का होल फोर, ये कहेंगे हम सुरक्षित थे क्योंकि बीच में थे, ठीक है। मोटरसाइकिल में या तो पिछाई वाय का ठंड लगा या अंगाई वाय का ठंड लगा, है ना, बीच वाले को लगती कब भी नहीं, ठीक है, वही सेम चीज। सी एच टू कहेगा हम तो सुरक्षित है, ठीक है, पानी बरसा तुम्हारा पानी निकल गया, हमारा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। इधर से सी डबल बॉन्ड ओ, ये कहेगा हम भी निकल गए, ठीक। अच्छा जे कहेंगे अपना बॉन्ड खाली, अपना बॉन्ड खाली, चलो अपन तो पड़ोसी, आओ अपन एक दूसरे का हाथ पकड़, ठीक है। जैसे इनने एक दूसरे का हाथ पकड़ा तो यहां बन गया कौन सा, एक बॉन्ड बन गया, ठीक। और जैसे ये बॉन्ड बना तो ये बॉन्ड तो बना, ये कहेंगे हमारा एक बॉन्ड खाली, ये कहेंगे हमारा एक बॉन्ड खाली, हमसे कोई भी आके जुड़ते जाओ, तो ये सब आके आपस में जुड़ते जाएंगे और ये आपका बन गया का होल एन नाइलॉन। अब सिक्स कॉमा सिक्स क्यों, देखो कार्बन कितने इसके और कार्बन कितने, तो नाइलॉन सिक्स, नहीं आया कोई ऐसा जैसे नहीं आया हो, आ गया, नोट कर लो। हो गया, यह एक पारदर्शी कठोर तथा लचीला पदार्थ होता है, ठीक है। अब कठोर भी होता और लचीला भी होता, अब बता रहे कैसे, ठीक है, आप लोग सभी लोग रोज यूज करते हो उसको, ठीक है। अरे टायर, टायर लचीला नहीं होता, पकड़ देते ना उसको जब अपन बैठते हैं तो वो पिछड़ जाता कि नहीं पिछड़ जाता। चलें आगे, बताओ ये आया कि नहीं, देखो सबको क्लियर है, नाइलॉन सिक्स क्लियर है कि नहीं, है ना। चलो भाई तो आगे बढ़ते हैं इसके यूजेस पे। एक वस्त्र बनाने में, क्लॉथ, कपड़े फ्लेक्सिबल होते कि नहीं, मोटे से मोटो आदमी पहले, पतले से पतलो आदमी पहले, फ्लेक्सिबल, ठीक, हाँ। दूसरा टायर बनाने में, लेकिन टायर बनाने में अपन नाइलॉन सिक्स का यूज करते हैं, सिक्स सिक्स का नहीं करते, है ना, हाँ। तो इन्हें हटाओ क्योंकि ये पारदर्शी होता और टायर पारदर्शी, ठीक है, इसलिए टायर बनाने में इसका यूज नहीं करते, नाइलॉन सिक्स का यूज करते हैं उसमें, ठीक है। वो बनता है कैप्रोलैक्टम से, नाइलॉन सिक्स जो होता है वो किससे बनता है, कैप्रोलैक्टम से, ठीक है, वस्त्र बनाने में। इसके बाद हाँ, टूथब्रश बनाने में और कपड़े धोने का ब्रश बनाने में, ठीक, कपड़े धोने का ब्रश बनाने में, कुल मिला के सीधी सी बात है ब्रिसल्स बनाने में, ठीक। वो नहीं जिसको पकड़ते हैं, ठीक है, नहीं, अब सब चीज थोड़ी पारदर्शी, हर पारदर्शी चीज नाइलॉन सिक्स सिक्स नहीं होती, जैसे हर एक साबुन नंबर वन नहीं होता, ठीक है, ठीक है। जो हम पकड़ते हैं, मतलब टूथब्रश जब करते हैं तो ये जो चीज पकड़ते हैं वो चीज नहीं, उसके जो ब्रिसल्स होते हैं, ठीक है, उनको बनाने में नाइलॉन सिक्स का यूज किया जाता है, ठीक है, तभी तो वो फ्लेक्सिबल होते हैं ना, ठीक है, नहीं तो लोहे के लगा देते ब्रिसल, ठीक है, पता चले दांत ही बाहर आ गए, ठीक, और गुस्से में अगर किसी ने धर के दे दो पिछाई से, ठीक है, हाँ, ओरल भी अंदर तक की हो जाएगी फिर सफाई, ठीक है। तो इन सब चीजों में अपन क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, ठीक है, ब्रश के कारपेट भी बनते फिर, बना लो कारपेट बनाने में, रोब बनाने में, एसेट्रा बनाने में आदि। एक और बचा बैकेलाइट, ठीक,
अब तुम तो फिर कह दो गाड़ी की सीट बनाने में, पेन यूज एंड थ्रो पेन बनाने में, कह लो है ना, ऐसे कह दो। चलो तो क्या है आपका बैक के लाइट, नैरोलैक, नैरोलैक सुना हाँ, लेकिन नैरोलैक ये नहीं होता, वो तो पेंट होता ना नैरोलैक। चलो शाहरुख खान की याद है। तो बैकेलाइट का नाम बैकेलाइट क्यों पड़ा, ठीक है, क्योंकि इसको बैकेलाइट ने बनाया था, ठीक है, मतलब ये जो कंपाउंड है, ये जो पॉलीमर है, ये किसने बनाया था, साइंटिस्ट थे बैकेलाइट, उनने नाम उनने बनाया था ये वाला, ठीक, तो उनने अपने नाम पे बैकेलाइट नाम रख दिया, ठीक है। हाँ तो बैकेलाइट का नाम बैकेलाइट इसी प्रकार से पड़ा क्योंकि इसको बैकेलाइट ने बनाया था, ठीक है। अब बनता कैसे है, फॉर्मेल्डिहाइड को लियो, ठीक है, क्या लेंगे अपन, इसका जो वो होता है फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्मूला एस सी एच ओ, ये होता फॉर्मेल्डिहाइड, अच्छा, और फिनॉल टिंग लिंग लिंग, ठीक, ओके, नहीं हम नहीं लगा, हमें सर्कल वाला बेंजीन बिल्कुल पसंद है, हमें ये वाला बेंजीन नहीं पसंद है, लगो बीच में अंडा सा दर्द है। गलती नहीं होती, दिमाग लगता है इसमें, इसीलिए फिर सर्कल वाला यूज कर लेते हैं, इसमें बॉन्ड शिफ्ट होते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड, और फॉर्मेल्डिहाइड पे लिया अपन ने क्या भैया, फिनोल। अब देखो ध्यान से, फॉर्मेल्डिहाइड पे लिया फिनोल, लिया कि नहीं, जैसे ही फॉर्मेल्डिहाइड पे फिनोल लिया तो हुआ क्या, देखो एन मोल लेंगे इसके और एन मोल लेंगे इसके, इन दोनों को मिला देंगे, और मिलाने के बाद हम इनका क्या करा देंगे, कोपॉलीमराइजेशन, ठीक है, मतलब सिंथेसिस रिएक्शन करा देंगे, हल्का सा ताप बढ़ा दो इसका, ठीक है, तो रिएक्शन थोड़ी जल्दी भागेगी, क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल यहां वहां टकराएंगे, टकराएंगे तो टक्कर होगी, टक्कर होगी तो टक्करें तीन प्रकार की होती है ना, टक्करें जो है वो तीन प्रकार की होती है, एक एक होती है अप्रभावी टक्कर, ठीक है, तीन प्रकार की नहीं, दो प्रकार की होती है, ठीक है, एक होती है प्रभावी टक्कर और एक होती है अप्रभावी, मतलब एक इफेक्टिव और एक नॉन इफेक्टिव, जैसे कोई सूखा सा आदमी, ठीक, वो जा रहा और एक अच्छे तगड़े आदमी से टकराया, टिंग, सॉरी कुछ कहेगा, लेकिन ये तगड़े और सामने से भी तगड़ा आए, टकराए, कावे देख के नहीं चल सकत, वो गए तुम नहीं चल सकत, सटाक सटाक सटाक, प्रभावी टक्कर हुई, उत्पाद बना, बना कि नहीं, हाँ, तो टक्कर दो प्रकार की, एक होती प्रभावी, टकराए साइड से निकल गया, कोई इफेक्ट नहीं, उससे प्रोडक्ट नहीं मिलेगा अपन को, ठीक है, वहां पे कोई मजा नहीं, जैसे टकराए, ठीक है, और टकराए फिर साथ में कॉपी उठाई, ठीक, हाँ, सटाक 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 सटाक, वहां पे क्या हुई, प्रभावी टक्कर हुई, प्रोडक्ट बना, आंसू गिरे, किसी को लगा, किसी का खून, किसी का, ठीक, तो वहां पे हुई प्रभावी टक्कर, और जहां प्रभावी टक्कर होगी वहां पे बनेगा उत्पाद, और प्रभावी टक्कर में बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, या तो कैटालिस्ट लगाते हैं, या फिर ताप बढ़ाते हैं, या फिर दाब बढ़ाते हैं, ठीक है, क्यों, जब टक्कर होती तो जैसी टक्कर हुई, ठीक, तो चार पांच लोग और आ जाते, ठीक, देख के नहीं चल सकते तो बिल्कुल है, तुम्हारी थी गलती, तुम्हारी थी गलती, वो क्या करते, ताप बढ़ा दे तो दाब बढ़ा दे, ठीक, गुस्सा आ जाती तो फिर वहां पे टक्कर प्रभावी हो जाती, ठीक है, तो वही चीज अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, गरम कर देंगे इसको, ठीक, जैसे इसको गरम करेंगे तो इसका ऑक्सीजन, इसका ऑक्सीजन, और यहां से एक हाइड्रोजन और यहां से एक हाइड्रोजन, ऑर्थो से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है, ऑर्थो कंडीशन से, तो दोनों से हाइड्रोजन निकलेगा, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिलके H2O बाहर, और जैसे ही एक H2O बाहर तो देखो क्या होगा, ये ठीक, इसके बाद डिंग बॉन्ड OH, यहां से H निकला, इनका बॉन्ड खाली, दूसरा वाला बेंजीन आया, ठीक, दूसरी बेंजीन आई, और ये कहेंगे हमा भी तो निकला H, ठीक, बॉन्ड OH, इनका बॉन्ड खाली, ठीक, फिर यहां से
कुल मिला के H2O निकालना है, जितने बार N होगा वहां से बार हर बार दो दो H निकलते जाएंगे आपके। डरना नहीं है, ठीक अमीबा बन गया, ठीक है। हाँ ये है अपना क्या बैकेलाइट, और ये जो बॉन्ड खाली है, ये बॉन्ड खाली है ना, ये आगे चेन अपनी बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है वो क्या बन गया आपका बैके। देखो भैया अब चेन से ही दिख रहा कैसी है चेन, ना तो ब्रांच है ना लीनियर है, क्रॉस लिंक है ना, क्रॉस लिंक, क्रॉस लिंक, यहां भी आगे क्रॉस लिंक बनते जाएंगे, ठीक है। तो कौन सी चेन होती है इसमें, इसका जो स्ट्रक्चर होता है कैसा स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर, को पॉलीमर होता है, बहुलक फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल यूज किया जाता है, ठीक है। को पॉलीमर होता है, सिंथेसिस रिएक्शन से बनता है, आर्टिफिशियल पॉलीमर होता है, ठीक है। ये सारी बातें होंगी कि कैसा पॉलीमर है, कैसे बनता है, ये हमने आपको बता दिया, ठीक। ये ऐसे बनता है, एनमोल फॉर्मेल्डिहाइड के एनमोल फिनॉल के साथ मिलाएंगे, ताप बढ़ाएंगे, हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन क्या होगा आपका निकलता जाएगा वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ, और CH2 जुड़ते जाएंगे आपके, तो ये बन गया आपका बैकेलाइट, ठीक है। आपको अगर इतना बनाना दिक्कत वाला लग रहा हो, ठीक, तो आप इसको इतना ना बना के आप यहाँ पे इसका बॉन्ड खाली छोड़ दो, ये बॉन्ड खाली छोड़ दो, ये बॉन्ड खाली छोड़ दो, ये बॉन्ड खाली छोड़ दो, केवल इतना बना सकते हो, ठीक, क्लियर। इतना भी बना सकते हो तो भी आपका कहलाएगा वो क्या बैकेलाइट, क्योंकि ये तो बता रहे हैं ना कि और जोड़ते जाएंगे, हम तो और जोड़ते जाएं, दिक्कत थोड़ी है, ठीक। हाँ तो ये बन गया आपका बैकेलाइट। भैया बैकेलाइट का उपयोग, ठीक है, क्रॉस लिंक होता है ये तो हमने आपको बता दिया, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मतलब एक बार बनाया दूसरी बार नहीं बना पाओगे, है ना, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। अभी तक अपन ने जितने पढ़े थे पॉलीथीन पॉलीस्टायरीन ये सब, ये आपके कौन से थे थर्मोप्लास्टिक, गर्म करो पिघल जाएंगे, है ना, ब्रिसल्स को गर्म करो पिघल जाएगा कि नहीं, तो नहीं अगर विश्वास हो तो घर पे जाके अपने आज टूथब्रश को जो है गर्म करके देख लेना, ठीक है, ठीक है, नहीं जिसको भरोसा ना हो हम तो वो बता रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक अपन ने जितने पढ़े थे वो सारे क्या थे आपके थर्मोप्लास्टिक थे, ठीक है। अब जो अपन पढ़ रहे हैं वो कौन सा था आपका, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, मतलब इसको अगर आपने एक बार जिस आकार में ढाल दिया वो उसी आकार में रहेगा, फिर आप चाहे उस पर ताप बढ़ाओ चाहे दाब बढ़ाओ, उनपे नो इफेक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। जैसे कहां पे उपयोग किया जाता है, कुकर का हैंडल बनाने में, हत्ते का हैंडल बनाने में, ठीक है, जो काले कलर का रहता, ठीक, वो बैकेलाइट का बनता है, क्यों, क्योंकि कुकर पूरा गर्म हो जाएगा, कुकर फट जाएगा भाई साहब, लेकिन उस हत्ते को कुछ नहीं होगा, है ना, जो हैंडल रहता है उसको कुछ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो बैकेलाइट का बना, वो बेशरम आदमी है, ठीक है। जो बैकेलाइट होता है ये कैसा होता है, बहुत हार्ड होता है, ये आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग मतलब थर्मो मतलब होता है टेम्परेचर, टेम्परेचर एक बार टेम्परेचर बढ़ा के हमने इसको कर दिया सेट, अब ये सेट है, अब इसका चाहे तुम टेम्परेचर बढ़ाओ, चाहे इस पर प्रेशर लगाओ, चाहे इस पर तुम हथौड़े मारो, ठीक है, टूट जाएगा, लेकिन बैकेलाइट बैकेलाइट रहेगा, पिघलेगा नहीं, ठीक है, क्लियर ना। तो ये वो वाला इनका क्या हो गया है, ये उस टाइप का पॉलीमर है, ठीक है, जो इतना दृढ़ होता है कि खुद टूट जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे इसके, लेकिन ये कभी पिघलेगा नहीं, ठीक है। हाँ बेशरम बैकेलाइट बीबी, ठीक है, उपयोग सुन लो भैया, ठीक। तो उपयोग हमने आपको बता दिए, एक तो हैंडल्स बनाने में, दूसरा ये लगे, ठीक है, ये भी आपके किसके बनते हैं, बैकेलाइट के, मतलब जो स्विच वगैरह होते हैं, क्या नहीं, ठीक है, जो स्विच होते हैं या जो इलेक्ट्रिक बोर्ड होते हैं, ठीक है, उनको भी इनका बनाने में इनका यूज किया जाता है, टेलीविजन रेडियो इन सब चीजों में भी बैकेलाइट के कुछ पार्ट्स बनते हैं, ठीक है। हाँ तो ये सब चीजें आपकी इसमें इनका यूज किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से पॉलीमर चैप्टर आपका होता है खत्म, ठीक है, पॉलीमर चैप्टर हुआ आपका खत्म। कितने पॉलीमर हमने पढ़े हैं, ये सारे पॉलीमर आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, एक पढ़ा पॉलीएथीन, पॉलीस्टायरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल एसीटेट, पॉलीएक्रोनाइट्राइल,
पॉलीएक्रोनाइट्राइल पम्मा पॉलीमिथाइल मेथाक्रिलेट, इसके बाद अपन ने पढ़ा नाइलॉन 6x, एक अपन ने पढ़ा टेफ्लॉन और एक पढ़ा अपन ने वैकेलाइट। इतने पॉलीमर आपको पूरे करने हैं, ये पॉलीमर पूरे प्रिपेयर करने हैं और क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, ठीक है, वो भी आपको प्रिपेयर करना है। तो ये दो टॉपिक आप लोग अच्छे से क्लियर कर लेना, क्योंकि पॉलीमर चैप्टर आपका कम से कम 10 नंबर का आएगा, ठीक है, कम से कम 10 नंबर का पॉलीमर आएगा इतने से जितना हमने बता दिया, ठीक है, एक क्लासिफिकेशन और ये सारे पॉलीमर, ठीक है। और ये सारे पॉलीमर ऐसे नहीं आएंगे कि आपसे पूछे टेफ्लॉन क्या होता बताओ, बनाने की विधि उपयोग, नहीं, क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकते हैं, नाइलॉन 6x का उपयोग कहां किया जाता है, एक नंबर में, ठीक है। तो इनके उपयोग भी थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है, उपयोग, बनाने की विधि, ठीक है, ये दो चीजें, और उनका मोनोमर, ठीक है, क्यों, क्योंकि एक नंबर में एग्जाम में मोनोमर भी पूछ लेते कि बैकेलाइट को बनाने में कौन कौन से मोनोमर का यूज किया जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड फिनोल, ठीक है, तो सबके मोनोमर आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को पॉलीमर चैप्टर समझ में आया होगा, अगर आया है तो वीडियो को शेयर करें, ठीक है। तब तक सभी को राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें, जो पुराने हैं वो शेयर करें, जो बहुत पुराने हैं मतलब रद्द हो गए हैं, ठीक है, हमारे चैनल पे मतलब उनका परिवार है, अपने परिवार में लोगों को और जोड़ो, बढ़ाओ परिवार, ठीक है। तब तक सभी को टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, और मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू।